वेलकम टू जुमान जी। लोग सांबर हिरण कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा गेंडा है ये भाई लोग धामिन। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाथी राइडर ब्लॉग्स में आप सभी भाइयों का स्वागत। आई होप कि आप सब बढ़िया स्वास्थ्य एकदम तंदुरुस्त होंगे। हो चुके नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद। तो भाई लोग आगे संडे आपको हैप्पी संडे। भाई लोग तुम्हारा भाई एकदम मस्त रेडी हो गया अभी हम और हम कर रहे हैं परी का इंतजार। कपड़े वो सिलने को दी थी ना, तो आपको पता ही है लड़के का झमेला तो रहता ही है जी। तो गाइस देख सकते हो कान साफ हो रहा है अभी। फाइनली भाई लोग हमने तो करवा लिए थी साफ एक नंबर मत। तो भाई लोग आ चुके हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट में और बहुत तगड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इनका चेहरा देख के भाई अब क्या कर सकते हैं यार, कंपनी का काम है। आज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट में हम बैठ के जा रहे हैं और भैया जो है ड्राइव कर रहे हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए यहां पे और ये महारानी बाग है, उन्हें हमने कर दिया टाटा बाय बाय। अब देखते हैं बस कब मिलेगी, कौन सी बस जाएगी। फाइनली जी ऑटो में बैठ गए हैं और क्या ही बता मैं आपको, बस का इंतजार हम करते करते ज्यादा लेट हो जाते हैं। वैसे भी टाइम जो है 2 बजने के जा रहे हैं और आपको बता दें अभी तक हमने नहीं बताया हम जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े जू जो हमारे दिल्ली के अंदर चिड़ियाघर पट्टी है। बहुत कुछ दिखाना बाकी है, उसकी बिल्कुल मत करना, बने रहिए इसी के साथ। हम पहुंच गए भाई लोग चिड़ियाघर नेशनल जूलॉजिकल पार्क इज हैप्पी टू वेलकम यू। तो गाइस यहां पे एंट्री होती है और कैश लाइन तो है नहीं जी। यहां पे देखिए वो लगा सामने ट्यूटोरियल बोर्ड और इसके हिसाब से अपना ऐप डाउनलोड करना है और उससे अपना ऑनलाइन बुकिंग बुक करना है होगा जी। कैश लाइन नहीं है अगर यहां पे, तो भाई लोग थोड़ा सा टफ है अगर खाते में भी पैसे नहीं हुए तो क्या होगा। तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे कर रहे हैं टिकट वगैरह कर रहे हैं। वो एक टिकट का 20 रुपए चार्ज करते हैं, यानी कि 80 रुपए का है, 100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो हमने टिकट करवाई, हमें 40 रुपए पे करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो ये है लोग भाई दृश्य जो बड़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पे ग्रिल बनी है और आप आराम से जा पाओगे। वेलकम, हैव ए नाइस डे। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आपके लिए भी और हमारे लिए है ना। हम तो आपके सहारे घूम रहे हैं जी, आपके लिए घूम रहे हैं बस। हाँ बस बस। ये भाई लोग देखिए ये बतख है ब्लैक कलर का, फिलहाल में खाना खा रहा है जी और साइडों में इसके पानी है। यहाँ से अपना टूर जो है जू का, एशिया का सबसे बड़ा जू होता है यहाँ से जनरली स्टार्ट। वो भाई मेरे वाओ काला हंस, तो वो काला हंस है जिसको आपने अभी अपनी नजरों से तराशा, ये तो आपने देखा ही होगा। ये लील गाय इसे कहते हैं और इसमें मोर दिख रहे हैं वो सामने चुपते हुए दाने। थोड़ी कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है ना, इसलिए आपको अच्छा से नहीं देख पा रहा होगा। और देखिए कितना ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे साथ में इतनी सारी बैठी हुई है, आपने तो देखा होगा खेतों में कैसे आवाज मारते हैं एकदम एकदम सारे एक साथ भागते हैं, साथ में कितने सारे बैठे हुए। वो देखिए मोर महाराज जो हमारा राष्ट्र पक्षी है कितना आराम फरमा रहा है। मौज लो भाई मौज लो। चलो जी चलो चलो चलो, देखिए जी कितने बड़े बड़े हैं, कितने सारे हैं। एक बात तो है इन पक्षियों में घोंसला बहुत मस्त बनाती है जी, देखने लायक। यहाँ पे मस्ती हो रही है थोड़ी सी हंसों की, इन्हें सफेद हंस कहते हैं। पानी भर लेते हैं जी क्योंकि जली जीवन है और चलते चलते थक भी जाएंगे, पानी का सहारा रहेगा तो थकान दूर होती रहेगी। और ठंडा और चिल्ड पानी है। ये भाई लोग है शेर पूछ बंदर और लाइफ में मैंने तो पहली बार देखा है जी। देखिए कैसे देख रहा है, हमें ही देख रहा है जी, आपको ही देख रहा है, लाइक कर दो। देखिए जी हमारे गांव के किंग है, वैसे हमारे गांव में इतना आतंक मचाते हैं ये वाले बंदर कि कुछ कह नहीं सकते, कितना आतंक मचाते हैं बेहिसाब। पाड़ा हिरन है और देखिए सारे में राउंड मार रहा है बेचारा, मुझे लगता है आया होगा, लेकिन पैदल घूमने का मजा ही कुछ अलग है ना। इन्हें परेशानी हो रही है, देखिए ना यही तो है, देखिए कितनी सारी देख रही है। लोग सांबर हिरण कहा जाता है और इनमें इतनी फुर्ती होती है, इतनी तेज तीव्र गति होती है ना कि आसानी से भाग के भी हाथ नहीं आते, इतनी इनमें गतियां होती हैं। पानी भाई लोग आपको हर जगह मिलेगा और यहाँ पे एक स्टॉल दिख रहा है, इस पे जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएंगी और कुल्फी मिल जाएगी, आइसक्रीम मिल जाएगी, तो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएंगे और इन्हीं के मौज भाई सही लोकेशन के हिसाब से बैठाएंगे। ये रहा गाइस कृष्ण मृग जिसे हिरण कहते हैं और ये खुले में ही रहना बहुत पसंद करता है, एशिया का सबसे तेज भागने वाले में से हिरण है। और इनके खाने के लिए देखिए पत्ते इतने लगा रखे हैं और भी बहुत सारे हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए थोड़ी सी इनकी प्रजाति यहाँ पे, थोड़ी सी उधर ठंडे में और बाकी के ये रहे मिस्टर।
ये है गाइस दुनिया की सबसे बड़ी गाय गौर गाय, और इसकी सूंघने और सूंढने की क्षमता जो है बहुत तेज, पर इसकी देखने की जो क्षमता है ना वो बहुत कम है, इसलिए आराम से ये मौज मारती है। और देखिए वैसे तो धूप में है। ये रहा जी लोमड़ी, देखो ये रही जी जंगली बिल्ली, देखो कितना आराम फुरमा रही है। ये रहा जी गीदड़, और आपको पता ही है सबसे ज्यादा आपने कहानी सुनी है कि नहीं शेर और गीदड़ की, ये वही है। देखिए वाओ, पहुंच गए जी गेंडे के घर पे। ये रहा भाई लोग भारतीय गेंडा, विश्व का सबसे बड़ा गेंडा है, और इसकी वजन जो है वजन है 1600 लेके 2700, यानी कि 1.5 क्विंटल से लेके 3 क्विंटल तक का होता है। 30 से 40 साल तक ये जी पाता है, यानी कि सरवाइव कर पाता है अपने लाइफ को। एंड बात करी जाए इसकी भागने की जो प्रक्रिया है ना, 48 किलोमीटर पर आवर ही भागता है अगर भागना शुरू। देखिए एक सींग वाला ये गेंडा, देखिए कैसा लग रहा है ना, बहुत प्यारा, हमारी तरफ को आ रहा है। स्माइल भाई, जिसकी इतनी चमड़ी मोटी है ना, 3 पार्ट में डिवाइड है, बैक साइड की अलग चमड़ी है, बीच की अलग है और आगे की अलग है, बहुत मोटी चमड़ी वाला है। देखिए अब वापस जा रहा है भाई, कैसा लगा गेंडा देखिए। लाइफ में हमने पहली बार इसे एक्सप्लोर करा और देखा भी अपने आंखों के सामने, तो क्या ही बतावे, क्या ही मतलब एक्सपीरियंस रहा, नेक्स्ट लेवल का। ये लाल वाला भी बटन दबा दो, लाल वाला दबा के व्हाइट कर दो। ये रहा भाई लोग नीला पीला मकायू, आप ही को देख रहा है, हर पिंजरे में गाइस 3 है, नीला पीला मकायू हर पिंजरे में 3 है। ये विश्व के सबसे बड़े तोते में से एक है, ध्यान से देखिए, इसीलिए तो कहा जाता है अपने दिल्ली को विश्व का सबसे बड़ा चिड़िया घर। घोंसला हो या खोखला हो, ये पेड़ों में बनाना बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही तीव्र गति के जानवर हैं। ये जी गोल्डन फेजेंट, ये देखिए गाइस सिल्वर फेजेंट, ये रही अंदर में, देखिए कितनी इसकी पंख, जो पंखड़ी है पीछे की ना कितनी प्यारी लग रही है, वाह बहुत बड़ा दिख रहा है गाइस। देखिए जी कुछ इस प्रकार का होता है ये, बहुत ही बेहतरीन। मैं माफी चाहूंगा गाइस कि ये ब्लॉग जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और चैनल पे नए हैं तो ये लाल वाला बटन दबाइए ना, लाल को दबा के व्हाइट करिए और व्हाइट को दबा के ब्लू करिए, लाइक भी साथ साथ में। टू 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 ये रहा जी सफेद मोर, देखिए ध्यान से, और इसके साथ साथ वो भी, ये देख लो जी पास से, लेकिन देख लो ध्यान से, पीछे को देख रहा है, इधर को ना देख रहा भाई, ये रहा है उड़ी, देख लो जी ध्यान से, यही है मगर शांति के रूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत खतरनाक हैं भाई लोग। ये है शेर, और देखिए सो रहा है लाल में तो, और ये रहा इसका घर, देखिए वैसे तो जंगल में पूरे जंगल का राजा रहता है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे चिड़ियाघर में आप लोग के देखने के लिए, हमें देखने के लिए इसे इतनी सी जगह दी गई है। ये देखिए भाई लोग हाथी, जैसा कि आप जानते ही हो, देखो जी इसके दांत कितने बड़े बड़े हैं, अभी तो इसको काट दिए गए हैं दांत कुछ, वैसे बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। आपको भाई लोग वहाँ पे है तो हलचल कोई ना देखे मगरमच्छ की, और यहाँ पे देखिए तैर रहे हैं पानी में, तैरता हुआ मगरमच्छ मैंने आज देखा है, देखो बाहर शायद में भी हो सकता है निकल जाओ। ऐसी चीज देख के ना गाई, पेट का डर जो होता है ना लिटरली गाई, यकीन करो पेट का डर वो तक रूह कांप जाती है कि अगर ये चीज हमारे सामने आ जाए। ध्यान से देखो भाई लोग, यही बंगाल टाइगर, दर्शन कर लो, यही है बंगाल टाइगर, अगर एक बार ये आवाज लगाई ना पूरी चिड़ियाघर में आवाज आएगी। देखिए भाई लोग ध्यान से, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सो रहा है फिलहाल में, ये दो हैं। अब गाइज आपको देखने को मिलेगी बहुत ही बेहतरीन चीज, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लाइक कर देना। और ये देखिए भाई लोग, यही है असली बंगाल टाइगर, और जो मैं बता रहा था वो सफेद टाइगर था। एंड अभी फिलहाल में तो ये अरमान आराम फरमा रहे हैं, और इतने सारे शेर तो मैंने लाइफ में पहली बार देखे गाइस। वेलकम टू जुमांजी जुमांजी नहीं है गाइस, यहाँ पे आपको छोटे छोटे जानवर मिलेंगे, जैसे कछुआ हो गया, सांप हो गया, जैसे ऊपर आपको स्टैचू दिख रहा है। देखिए ये भाई लोग इंडियन रॉक पाइथन, देखिए भाई लोग इसमें दो हैं, दोनों का मुंह इधर का ही है, लिटरली गाइस सामने से देखने में इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे उम्मीद देख रहा आपको भी खूबसूरत इतना ही दिख रहा होगा। ये देखिए गाइस ये डिजाइन है, वो माय गॉड बहुत ही डर लग रहा है, अगर शीशा नहीं होता ना तो मैं तो इसके नाम से भाग जाता यहाँ से। एंड देखिए इसकी खाल, बहुत डर लग रहा है लेकिन हिम्मत है आप लोगों को दिखाने की। यही है भाई लोग धामिन, जो आदमी को देखते ही 9-2-13 होती है, सब 11 के गिनते गिनते हैं ना, ये 13 होती है। फिलहाल मैं ये पिंजड़े में है,
इसलिए इतनी शांति पूर्वक, फिर भी शांति नहीं है, सब सांपों से ही अलग है। देख लो धामी, जिसने भी नहीं देखा पहचान लो, इसी को सांप कहते हैं। चलो ध्यान से देखिए सर, और भी इसके बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें एक उसमें और एक उसमें, देखिए बहुत तेज रेंगने वाला ये जानवर है। ठंडा, इसमें ठंडा और गर्म मापने के लिए इसमें देखिए गाइस मीटर लगा पड़ा है, ताकि इसे ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और ज़्यादा ठंड भी ना लगे। पूरे घर को भ्रमण करते करते ये शांत तो बैठती नहीं है, बात तो यही है ये शांत बैठने वाली नहीं है। देखिए कितनी लंबाई है इसकी, तो लग रहा है गाइस बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दो देखिए भाई लोग शुक्र मुर्ग है ये, और इसके पाँव देखिए कितने मोटे मोटे हैं। देखिए भाई लोग शेर यहाँ पे अब घूम रहा है और आस पास से दिखाने की कोशिश। देखिए भाई लोग देखिए कितना ही खतरनाक है, इतना डर लग रहा है ना, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ आपकी बदौलत। देखिए गाइस अब इसको शायद खाने के लिए आएगा, देखिए खाने की तरफ कोई देख रहा है। देखिए लेके आ रहे हैं उधर से आगे, शायद मे भी हो सकता है खाना मिले इस भाई को। देखिए जी यही है शुतुरमुर्ग, काफी बड़ी है। ओ भाई साहब देखिए दो हैं, एक ये और एक ये। किसी का कोल्ड ड्रिंक छीन लिए, हाँ सही पकड़े। देखिए बाहर को घूम रहे और जनता भी, लेकिन डर बिल्कुल नहीं है। हेलो गाइस, तो जैसे कि देख रहे हो हम घूम चुके हैं सारे में और हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। आप देखो हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, एक दो काम निपटाने हैं वो निपटाएंगे और जो है घर पहुँचा। तो फाइनली भाई लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। खाते पीते मस्त, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, आप लोगों का प्यार और स्नेह की बहुत जरूरत है गाइस। हमने आपको पूरी सीरीज में जितनी हमारी यूट्यूब चैनल पे सीरीज बनी हुई है उन सब सीरीजों में से ये बेस्ट सीरीज है, और आप प्लीज इसको भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी भाई नहीं घूम पाया है जू में चिड़ियाघर में, तो हंसते रहो हंसाते रहो और लाल बटन दबाते रहो, लाइक के साथ साथ में दबाते रहो। मिलते हैं इस प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन एडवांस आप सभी भाइयों को, आप जब देख रहे होंगे ये ब्लॉग तो नवरात्र का पहला दिन होगा शैल माता का, तो माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एंड आपको, आपको पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज था बेटी दिवस, तो ये रही मोहतरमा, तो आज इनको बहुत मौज करा के लाए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत तरह के जैसे आपने अभी देखा और बहुत सारे थे, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा गाइस आप लोग के सहारे। तो करते हैं इसी के साथ वीडियो के एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना गाइस, कैसा लगा हमारा, बहुत मेहनत करी आप लोगों ने।